जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योर वॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम आबादी से दूर और बर्बादी के नज़दीक नहीं, प्रकृति के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो आए हैं एक प्लॉट देखने के लिए। आपकी चॉइस ही मेरी चॉइस होगी। देखिए प्लॉट, और पूरा इसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको बता देंगे कहाँ है ये प्लॉट और क्यों लेना चाहिए, कैसा है, सारी जानकारी मैं भी ले रहा हूँ। मैं भी नया हूँ इस प्लॉट के लिए। तो आइए गाइस, चलते हैं प्लॉट पे और पूरा एरिया रेकी करते हैं, उसको सही ढंग से विजिट करते हैं, खरीदने लायक है कि नहीं। आपकी चॉइस होगी मेरी चॉइस। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जो प्लॉट देखने आए हैं, ये जो जगह है शहर रामपुर के नज़दीक है महजपुरा, और महजपुरा में ये जो है पूरा टाउनशिप डेवलप हो रहा है और नेस्ट्रो एंटरप्राइजेज जो है इसको डेवलप कर रही है। और रवि रंजन जी जो है हमारे साथ हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जो साइट विजिट यही कराते हैं। साथ में एक भैया और भी हैं, आपका नाम क्या है? पिंटू कुमार। पिंटू जी, तो पिंटू जी लोकल हैं, ये लोकल एरिया के बारे में ब्रीफ करेंगे कि एरिया कहाँ पे है और पूरा बताएंगे। तो राजीव रंजन जी, हम आपसे बाद में बात करेंगे, पहले पिंटू जी से बात करते हैं कि ये जिस जगह पे खड़े इसका क्या नाम है और क्या क्या है यहाँ पे नज़दीक नज़दीक में, थोड़ा सा एरिया हमको थोड़ा सा बताइए जो मेरे व्यूअर समझ पाए, देख पाए। सर, ये शहर रामपुर का निकट, ये गाड़ी आ रहा है, स्कूल का वैन है। ये कौन सा स्कूल का वैन है? एसआर पब्लिक जी। ठीक है, तो मतलब स्कूल नज़दीक में है? ये सामने है। सामने में स्कूल है? अच्छा अच्छा, ठीक है, सामने में स्कूल है। आगे बताइए, जो खड़े हैं हम यहाँ पे, ये कौन सी जगह है और कहाँ कहाँ इसके नज़दीक में क्या क्या जगह है? अगर कोई प्लॉट ले तो क्यों ले? सर, यहाँ है कि नवतपुर बगल में, एक माने कि यहाँ से 6 किलोमीटर पे नवतपुर है। ठीक है, मसौढ़ी यहाँ से पड़ेगा आपको 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर मसौढ़ी जी, दुल्हिन बाजार 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर दुल्हिन बाजार, और पाली यहाँ से 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर पाली। मतलब कि ये जो रोड लगभग नज़दीक में सारा कुछ है। और ये रोड के बारे में बताइए। और ये जो रोड है, हाँ, इस सारे लिंक को जोड़ता है। अच्छा, इस मतलब जो आप एरिया बता रहे हैं उन सारों को, ये जो रोड है नौबतपुर, विक्रम, पाली और सबको ये कनेक्ट करता है। 1 किलोमीटर लिंक रोड हो गया। 1 किलोमीटर के अंदर में ये रोड सारा अच्छा जुड़ जाता है। ठीक है जी, ये एरिया के बारे में पिंटू जी ने हमको बता दिया है। अब चलेंगे प्लॉट के ऊपर और प्लॉट के बारे में रवि रंजन जी से पूछेंगे कि क्या है एरिया है, मेरा भी चॉइस है कि नहीं, आपको भी बताना है मेरी चॉइस को। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस, धूप ज़्यादा है, चेहरा क्लियर नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको दिखाएंगे प्लॉट पूरा। ये जो रास्ता है ना जी, कितने फीट का रास्ता है ये आपको 20 फीट का क्लीन रास्ता मिलेगा। जितना भी, हाँ, जितने भी प्लॉट पे प्लॉटिंग किया गया है, सारे प्लॉट पे आपको 20 फीट का रास्ता है। 20 फीट का, हाँ, हाँ जी, ये आपको चौहद्दी पे लिख के भी मिलेगा, डीड में जी। ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया पे पिलरिंग वगैरह किया हुआ है, ये क्या है? ये सर, ये प्लॉट सारी रजिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा, मतलब जैसे बिक रहा है आपका प्लॉट, जी जी, उसमें जो लोग अपना रजिस्ट्री वो, हाँ, खुद से पिलर, हाँ, पिलरिंग करवा दिए जी। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जी बिल्कुल। चलिए, तो अभी हम पहुंच चुके हैं इसके सर्कल पे। यहाँ से बनेगा ये 20 फीट का रोड जिससे हम आ रहे हैं, देखिए अभी पानी है, 20 फीट का जो रास्ता है वहाँ से हम आ रहे हैं। आने के बाद पहुंच गए हैं सर्कल पे, ये फ्यूचर का ये सर्कल है, यहाँ पे सर्कल बनेगा और आगे क्या क्या होगा वो बताते जाइए। सर, ये चौक है, हाँ, यहाँ से आपको एक रास्ता सामने की ओर चला गया है इधर, अच्छा, इट मीन्स मेरे सामने, हाँ, और एक पीछे की ओर रास्ता चला गया है जो कि पूरा 20 फीट का रास्ता है। ठीक है ना, एक सामने हमारा चला गया, एक सामने, एक मेन गेट सामने से भी है, हाँ, वहाँ पे आगे नहर है, हाँ, जो कि नहर पे भी आपका रास्ता बनते आ रहा है। अच्छा, वो सामने आपको सारा, आपको पोल दिख रहा होगा, वहाँ से वो पूरे नहर पे, नहर ही है, उसके ऊपर रास्ता बनते आ रहा है सारा। अच्छा, रास्ता बनते, हाँ, एक गेट वहाँ भी। एरिया है, कितना एरिया एक्वायर किए हैं आप लोग और आगे क्या? ये एरिया आपको 40 बीघा के करीब है अभी फिलहाल। 40 बीघा जी, और आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, आगे मतलब और इसको बढ़ाते जा रहे हैं, एक्वायर करते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से जो पिंटू जी थे वो बोल रहे थे कि IIT नज़दीक है, कितना दूर पड़ेगा IIT का? IIT आपको मोटा मोटी मान के चलिए 15 किलोमीटर के अंदर ही आपको, 15 किलोमीटर के रेडियस में है IIT बीटा। तो अगर एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा जगह, जो भी परचेस करे, चाहे मैं ही परचेस करूं जी जी, तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है इसमें, फैसिलिटीज़ क्या है, अमेनिटीज़ क्या है? जी जी, सबसे पहले तो लोग ये देखते हैं कि भाई कहीं भी प्लॉट लें तो सबसे पहला कनेक्टिविटी होता है कि, हाँ, वहाँ मतलब कैसे पहुँच पाएँ। ठीक है सर, तो हम लोग का आने का रास्ता भी जो है, हाँ, वो बहुत मेन, इजिली आप अनिसाबाद गोलंबर से, किन्हीं के पास बाइक तक नहीं है, गाड़ी नहीं है, हाँ, तो ऑटो का रूट है सर, ऑटो पकड़ के यहाँ महजपुरा आ सकते हैं। ठीक है, भाई ऑटो आप 20 से 25 रुपये का किराया लेगा, हाँ, आपको यहाँ ऑटो उतार देगा और वहाँ से 2 मिनट पैदल चलेंगे आपके प्लॉट पे पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अंदर क्या क्या मिल रहा है? अंदर का फैसिलिटी है सर, बहुत अच्छा फैसिलिटी है हमारे यहाँ। मेन गेट आपको मिलेगा,
ठीक है ना, मेन गेट पे गार्ड रूम गार्ड रहेगा, और गार्ड के अलावा आपको हमारे यहाँ पार्क की भी सुविधा दी जाएगी, बच्चों के खेलने के लिए, लोगों को घूमने फिरने के लिए। अच्छा। पार्क की भी सुविधा है। अच्छा अच्छा जी, पार्क और सर बिजली और पानी की भी सुविधा दी मिलेगी सर। बिजली पानी मिलेगा, मतलब तकरीबन एक अच्छा खासा टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। जी जी, टाउनशिप ही डेवलप किया जा रहा है सर। अच्छा। और अगर वीडियो आ रहा है पसंद तो करना है लाइक, शेयर करिएगा जरूर वीडियो को, सब्सक्राइब करके आगे फॉरवर्ड करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।